गाइस लिटरली मैं एक छोटा सा प्यारा सा 1 साल की उम्र का मिनी हल्क बस्टर बना रहा हूँ। वैसे मैंने इसको 1 साल इसलिए बोला क्योंकि इसको पिछले 1 साल से बना रहा हूँ, तो इसकी एज आज 1 साल हो जाएगी और आई थिंक ये कंप्लीट हो जाएगा। मतलब मैं इसको पहनकर छोटी मोटी सुपर पावर्स से यूज़ कर ही पाऊंगा। मैं अवेंजर्स को लिटरली मैं जाके दिखाऊंगा और सरप्राइज हो जाएंगे वो भाई। गाइस इस बात पर आप जल्दी से प्लीज़ वीडियो लाइक कर दो और चैनल सब्सक्राइब, क्योंकि मैं इस हल्क बस्टर को पहन अरे ये क्या भाई साहब भूकंप आ रहा है क्या? अरे धरती हिल रही है बहुत बुरी वाली है आजकल यार, अब तो कुछ ज्यादा ही नहीं आ रहे लिटरली में भाई। ओ माय गॉड ये कौन है? 8 करोड़ साल का गॉड यूनिवर्स आयरन मैन का सूट बॉय सॉब क्या खतरनाक है। और ये 50 लाख साल का जायंट हल्क बस्टर ऑल फादर गॉड का सूट, ये सब क्या चल रहा है यार? ये हल्क बस्टर के सूट के अंदर कौन है? गॉड यूनिवर्स तो पक्का टोनी होगा। कह रहे अच्छी बात है, यही मेरे घर पे आ गए और मजा आ गई। और फ्रैंकलिन के बच्चे देख मेरा जायंट हल्क बस्टर का सूट और मेरा यूनिवर्स गॉड आयरन मैन का सूट। एक मिनट, मैंने सोचा था ये अवेंजर्स के सूट है, तुम लोग इसके अंदर क्या कर रहे हो? पक्का बेटा चोरी करके लाओ, बकवास बंद करो। और यहाँ पर ये हमने अपनी मेहनत से खून पसीने की कमाई से बनाया है। अरे बाप रे, ये सब कैसे पॉसिबल है? मुझे यकीन नहीं है। अगर इतना ही ज्यादा श्योर है इस बात पे तो मुझे बताओ कैसे किए, जैसे कि मैं भी कर पाऊँ। चला हो रहा है, रुको अभी बताता। बाप रे गाइस, इससे पहले कि मुझे पीटे यहाँ से मैं चुपचाप हल्कबस्टर का सूट पहन के निकल लेता हूँ। आप ये बताता हूँ तेरे को फ्रैंकलिन के बच्चे, ले अब और जाने का कैसे बनाते हैं सूट इतना बड़ा। अरे बाप रे गाइस, मुझे तो पक्का यकीन हो गया इन्होंने ना अवेंजर से ही सूट चुराया। अरे बाप रे, तुमको छोड़ूंगा नहीं। गाइस यार, इस ब्लैक फ्रैंकलिन के बच्चे के सूट की जो हल्कबस्टर की एज है वो 50 लाख साल थी, मैं करोड़ों में करके रहूंगा। देख लेना ब्लैक फ्रैंकलिन, तुझे चैलेंज कर रहा हूं, दुनिया का सबसे बड़ा। कहां गया मेरा सूट? ये रहा। अबे अबे ये क्या बच्चा उठा लाया तू? हां बोल ले इसको बच्चा। अरे गाइस देखिए, सूट को पहनती मेरी एज भी 1 साल ही हो गई। खैर अब एक काम करते हैं, हम लोग ना जल्दी अवेंजर्स के पास चलते हैं, तब तक आप जल्दी प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब। हमें आज कोई नहीं रोक पाएगा यहां पर दुनिया का सबसे बड़ा एलिमेंटल गॉड हल्क बस्टर बनने से। चलो गाइस जल्दी भागते हैं और पता करते हैं कि असल में इतने बड़े बड़े गॉड सूट इन दोनों चोरों को कहां से मिले। मैं तो बर्बाद हो गया, मैं भी बर्बाद हो गया। हल्क कौन सा आबाद है? हल्क भी बर्बाद है। उठी कसम, आत्महत्या मैं करूंगा सबसे पहले। व्हाट, ये सारे अवेंजर्स सुसाइड करने की बातें कर रहे हैं? उन सभी ने हमसे बढ़िया सूट कैसे बना लिए, वो भी गॉड लेवल के भाई। गॉड यूनिवर्स आयरन मैन, गॉड हल्क बस्टर उन पे कहां से आए? इसका मतलब वो सच बोल रहे थे? ओ माय गॉड, अरे स्ट्रेन रुक जा। ओ भाई साहब, ओए मैं भी मर जाऊंगा, कोई इज्जत नहीं है। उठी कसम, मैं भी मर जाऊंगा। गाइस सुनो तो, अरे बाप रे गाइस, कुछ तो गड़बड़ है, इस तरह से नहीं मर सकते। हल्क भाई तू भी गया मुझे छोड़ के। गाइस मुझे तो लग रहा है पक्का आग के अंदर जाके ये लोग अपग्रेड हो जाएंगे, क्योंकि हमेशा आपने देखा होगा ऐसा ही होता है। जैसे पहले कि ये सच में अपग्रेड हो जाए भाई, मैं भी चाहता हूँ जाके आग में कूद जाता हूँ, उसके बाद हम भी यहाँ पे अपग्रेड होंगे। अरे बाप रे लग गई। अरे एवेंजर्स आप लोग कहाँ से आ गए यहाँ पर? अरे सिंचन पिंचन चौप, तुम लोग यहाँ से कब से हो? बा भाई कल बाद, ये तू कौन है भाई? मैं यहाँ पे 1 साल का हल्क बस्टर हूँ। और क्या चाहिए तेरे को? सर मुझे यहाँ पर उस ब्लैक फ्रैंकलिन के बच्चे के हल्क बस्टर से कहीं ज्यादा अपनी एज बढ़ानी है, मुझे दुनिया का सबसे बड़ा गॉड एलिमेंटल हल्क बस्टर बनना है, तो उसके लिए तुम सबको यहाँ पर कॉम्पिटिशन लड़नी होगी। सबसे पहले तुमको यहाँ पर बाइक मिलेंगी, चाहो तो टीम बनाओ वरना अकेले जाओ। सबसे पहले तुम्हें बाइक का या फिर भाग कर इस्तेमाल करके आगे बढ़नी होगी। यहाँ गोल्ड कॉइन मैंने तुम्हारी बैंड बजा सकते हैं, ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं एक घंटे हल्क बस्टर के बॉक्स को, जो भी सबसे पहले इसको फोड़ेगा उसको सुपर हल्क बस्टर एलिमेंटल का सूट मिल सकता है या फिर आयरन मैन का, साथ साथ में उसकी एज बढ़ जाएगी। क्या बात है भाई। उसके बाद बच्चा लोग तुम्हें एक और एलिमेंटल बॉक्स मिलेगा, फिर यहां पर तुम्हें अगर अपनी एज करोड़ों में बढ़ानी है, अपने आप को ज्वाइन करना है, तो सबसे फिनिश लाइन वाला लास्ट हल्क बस्टर का सूट या फिर आयरन मैन का सूट जो कि लास्ट एलिमेंटल बॉक्स में, वो लेनी होगी। ऐसी बात है मिक्सेट? अरे इसके लिए तो सबसे पहले फिर मैं ही जाऊंगा, अगर कोई आया बच्चू तो यहां पर उसको ऊपर से फेंक दूंगा, मगरमच्छ खा जाएंगे नीचे समुद्र में। चलो चलो हटो हटो सबके सब हटो। अबे टोनी ज्यादा मत बोल। अबे मैं तुमसे डरता नहीं हूँ बेटा, बाइक से ऐसा बूस्टर मारो। अबे यार एक काम करता हूँ, मुझे पक्का पता है अवेंजर्स या सिंचन में जो फ्रैंकलिन जरूर आने की कोशिश करेंगे। आइडिया, ओए चल निकल यहाँ से। ए क्यों मार रहा है? मैं काम करता हूँ, क्यों ना ये वाला डब्बा हटा दूँ। ऑल राइट। अबे टोनी क्या कर रहा है? मैं बस यहाँ पर रैंप को और अच्छा बना रहा हूँ जिससे कि और मजा आए। मेरे हिसाब से इतनी कठिनाई ठीक होगी। चलो भाई अब चलो जल्दी से चलते हैं। टोनी भाई तू सही नहीं कर रहा है। हटो सबके सब हटो यहाँ से। गोल्ड कॉइन मैन
अगर मेरे अलावा कोई भी इधर आए तो सबको मारना है। अरे बाप रे, ये पिंचन चौप, जल्दी से आओ, इन टोनी भैया को छोड़ेंगे नहीं। मैं 5 साल का बच्चा 5 करोड़ साल का बन के रहूंगा। वाह भाई जल्दी चल सिंचन। अरे यार मुझे भी लेके चलो। वाह भाई कल में जगानी है बाइक पे, होती भी तो लेकर नहीं जाते हो। चलो चलो यहाँ से हमें जंप लगानी है। मुझे डर लग रहा है। चिंता मत कर, मैं जंप लगा लूंगा। लो गाइस यार, ये लोग तो लिटरली में भाई टोनी को फुल टक्कर देने के मूड में लग रहे हैं। अभी काम कर दे, हम यहाँ पर जल्दी से खतरनाक ट्रैप लगा देते हैं दूसरे लोगों के लिए। अबे निकलो यहाँ से बच्चा लोग। मार दिया भाई साहब। टोनी ने कहा था गोल्ड कॉइन मैन से कि कोई भी आए तो मारना, और भाई गोल्ड कॉइन मैन पीट भी रहे हैं। इस गोल्ड कॉइन मैन के बच्चे को छोड़ूंगा नहीं, अब ट्रैप बाद में लगाऊंगा, पहले इसकी बैंड बजाऊंगा मैं। भाई साहब सिंचन बच गया। आबरा का डाबरा करूंगा, मेरे को यहाँ पर आबरा का डाबरा करने की बहुत आदत है। मैं अंतर यामी हूँ, मेरे को किसी ने मारने की कोशिश की तो उसकी बैंड बजा दूंगा। अरे बाप रे ले लगाई जंप। गाइस डॉक्टर स्ट्रेंज भी भाई क्या सही बाइक चलाता है। ये बच्चा सिंचन आजा बैठ मेरे साथ। मैं नहीं बैठ रहा, चलो निकलो यहाँ से, मुझे भाई दो। अरे मैंने तेरे को ऑफर दिया, तू मेरे को गोली दे रहा है, कितना बुरा बच्चा है। ये क्या गोल्ड कॉइन मैन गिर गया, अच्छी बात है, हटो यहाँ से। ओडिन की कसम, ये डॉक्टर स्ट्रेंज का बच्चा आगे निकल गया, हम कैसे पीछे रह गए। जल्दी जाएंगे और यहाँ पर दुनिया के सबसे ताकतवर गॉड हल्क बस्टर बन जाएंगे। भाई साहब गाइस, ये थॉर को गॉड हल्क बस्टर बनने का भूत कहां से चढ़ गया। ओए मैं मकड़ा हूं, मुझे बाइक की जरूरत नहीं, मुझे बस जालों की जरूरत है। ओडिन की कसम आगे कैसे जाएं। ओए तुझे आगे जाने की जरूरत नहीं है, तुझे तो नीचे जाने की जरूरत है, समझा। ले 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 ले। ओए ये क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया हमें। ले एक और पंच मारूंगा। भाई साहब स्पाइडरमैन को देखियो भाई, क्या खतरनाक कला दिखा रहा है यार हवा में। और गाइस एक मिनट, अरे बाप रे गोल्ड कॉइन मैन, ये क्या हो गया, मुझे उठा के मार दिया। भाई साहब मुझे पता नहीं था कि स्पाइडी में इतनी स्ट्रेंथ है कि बाइक उठा के किसी की घुमा सकता है। हल्क के पास इतनी स्ट्रेंथ है कि वो हल्क प्लेनेट को बर्गर समझ के खा जाएगा। ये कैसी बातें कर रहा है लिटरली में भाई। हल्क यहाँ पर जंप लगाएगा और सबकी बैंड बजाएगा। गाइस यहाँ पर देखिए, हल्क को तो विंड मिल नहीं फेंक दिया लिटरली में। हल्क के पास सुपर बूस्टर हरी बाइक है। भाई साहब हल्क के पास अगर बूस्टर बाइक नहीं होती तो नीचे जाता सीधा। ओबे ये तो शॉर्टकट लेके सीधा एलिमेंटल बॉक्स के पास आ गया। बट ये आगे क्यों जा रहा है, हल्क आगे नहीं पीछे आ रहा है। हल्क को एलिमेंटल बॉक्स चाहिए। भाई ये टोनी से पहले पहुंच गया। नहीं गाइस अब मेरे को भी यहां से निकलना होगा। अबे ओए ये क्या कर दिया। अबे हल्क के बच्चे तू आगे जा रहा था वहीं जाता रहा, ये वाला बॉक्स मुझे लेने दे। गाइस अच्छी बात है, एक काम करते हैं इनको हम लड़ने देते हैं, जब तक ये लड़ते रहेंगे हम यहां पे निकलते हैं। गाइस मैं तो इतना छोटा हूं भाई, बाइक को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं ठीक से। आप लोग प्लीज कमेंट में जल्दी से हल्क बस्टर ओपी लिखिए और अपने फ्रैंकलिन की मदद कीजिए। मेरी एज कम है बट मैं यहां पर, अबे ये क्या कर रहा है, कैसा लगा फिंकी भैया। सिंचन के बच्चे गाइस ये लो, सिंचन को फेंक दिया मैंने लिटरली में भाई, मेरे को आते ही बॉम्ब से स्वागत कर रहा था मेरा। गाइस ये गोल्ड कॉइन में मेरी बैंड ना बजा दे, चुपचाप यहां से निकाल लेता हूं। हल्क फोड़ेगा। अबे क्या कर रहा है, पेट में लात मार रहा है बेवकूफ, तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं, मैंने तुझे पेट भराने के लिए खाना खिलाया, तू मेरे ही पेट पे लात मारता है। अभी फोड़ते हैं। ले ओके क्या बात है भाई, मैं 2000 साल का डायमंड हल्क बस्टर बन गया भाई। हां हल्क का बॉक्स इसने फोड़ा। अबे ये फ्रैंकलिन के बच्चे ने मजे ले लिए, हल्क के बच्चे तेरी वजह से हुआ है, हल्क की गलती नहीं है तेरी गलती है। गाइस अच्छी बात है, इनको लड़ने दो और यहां से जल्दी जाके दूसरा वाला एलिमेंटल बॉक्स भी हम ही फोड़ेंगे। तुझे अभी बताता हूं, ले मोटे कहीं के हट यहां से, बर्गर की तरह तेरा दिमाग भी मोटा हो गया है। हल्क को मोटे दिमाग का बोला, अब हल्क तुझे नहीं छोड़ेगा, पहले पकड़ के देगा। अरे यार जल्दी से बाइक पर बैठता हूँ, पूरा दिमाग खराब कर दिया। फ्रैंकलिन मैं आ रहा हूँ, मैं यहाँ पर दुनिया का सबसे बेस्ट जायंट एज वाला सूट लेकर आऊंगा। ले अरे भैया टोनी नीचे गिराएगा क्या, बिल्कुल नीचे गिराऊंगा, दूर रहे मेरे हल्क बस्टर के सूट से या फिर आयरन मैन के सूट से, नहीं मैं फोड़ दूंगा। ले हैं अबे बॉक्स क्यों नहीं फूटा, मैं बताता हूँ क्यों नहीं फूटा, क्योंकि ये मेरे लिए है, तेरे लिए बिल्कुल भी नहीं है। अरे बाप रे ये थोड़ा दो, ये मारा मैंने। ले ओ भाई साहब मेरी एज बेशक तुझसे 1000 साल कम है फ्रैंकलिन, बट मैं सन गॉड आयरन मैन हूँ और मैंने ही आयरन मैन के सूट बनाए, तो मुझे पता है इनकी पावर कैसे यूज करते हैं। ले सूरज की आग में जल। टोनी ओ भाई साहब, अबे तेरी डायमंड की बॉडी है भाई, शुगर का डायमंड की बॉडी ना होती ना तो तू कब का भस्म हो जाता, राख बन जाता। टोनी यार तुझे छोड़ो। ले अबे क्या कर दिया, नाक तोड़ दी मेरी। फाइनली गाइस टोनी को बेहोश कर दिया, इसी की बाइक लेकर जाऊंगा मैं। ऑलराइट गाइस पीछे की मैंने, रुक जा मेरी बाइक वापस कर फ्रैंकलिन। फाइनली गाइस अब दूसरा एलिमेंटल बॉक्स टोनी के बच्चे ने लिया, बट अभी भी हमारे पास चांस है,
तीसरा वाला एलिमेंटल बॉक्स लेगा, हटो 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 सब हटो, मैं यहाँ पर सबसे एंड में पहुंच कराऊंगा। क्या बात है भाई, हम पहुंच गए, अब पकड़ो इसको, आगे मत जाने दो। ओ भाई साहब गाइस, ये लगा सुपर जंप, क्या बात है क्या बात है, कमोन कमोन कमोन, आराम से, बहुत सही गाइस। यार लास्ट वाला बॉक्स लिटरली में पिछले वाले बॉक्स से बड़ा है, हल्क फोड़ेगा, ले हल्क को मोटे दिमाग वाला बर्गर बोला, हल्क सबका बर्गर पिचकाएगा। अबे क्या कर रहा है हल्क, मैंने थोड़ी बोला तेरे को, टोनी ने बोला यार, ये कहां से पागल हो गया। अरे भैया कितना बुरा मार रहा है, अच्छी बात है हल्क रोक के रख उसको, हल्क इस बॉक्स को भी फोड़ेगा। ओ भाई साहब, पहले मुझे हल्क की बैंड बजानी पड़ेगी। अबे ओए फ्रैंकलिन मैं भी आ रहा हूं। ले हल्क बेटा तुझे बताता हूं, तू है मोटे दिमाग का बर्गर। हल्क को फिर से मोटे दिमाग का बर्गर बोला। गाइस देखिए हल्क में क्या खतरनाक आग लगी पड़ी है, बट यार ये हार नहीं मान रहा है। खैर अब कुछ टाइम के लिए हल्क भी शांत हो चुका है, और गाइस ये बॉक्स हमारा। ओके मेरा साइज इतना बड़ा हो गया भाई, और मैं 10,000 साल का लाइटनिंग हल्क बस्टर बन गया। मेरा ये वाला एलिमेंटल सूट तो पहले वालों से भी बेटर है। चलिए गाइस मिक्सर के पास चलते हैं और बोलते हैं मुझे अपनी इस करोड़ों में करनी है। और अब तुम्हारे पास आखिरी चांस है, तुम तीनों को यहाँ पर ये तीन बोट दी गई हैं, तीनों अपनी अपनी बोट में बैठ जाना। उसके बाद यहाँ पर ये जो आग लगी है ये घमासान है, इसमें जाओगे तो भस्म हो जाओगे। ध्यान रखना ये लावा हल्क बस्टर का सूट तुम तीनों में से ही किसी एक का हो सकता है, माना गया इसकी एज करोड़ों में। भाई साहब अब वो सूट मेरा होकर रहेगा, इन सभी सूट्स का असली मालिक हूं तो ये मेरे को मिलने चाहिए। मेरी बोट तो काफी अच्छी है भाई, बट मैं दूसरों की बोट फाड़ दूंगा। अबे टोनी क्या कर रहा है तू? यहाँ पर मैं किसी को भी आगे नहीं बढ़ने दूंगा। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो गाइस, टोनी बहुत ज्यादा चालाक है। मैं काम करता हूँ, ये लोग समुद्र में से आ सकते हैं, इसलिए क्यों ना यार इसकी समुद्र की आग और ज्यादा बढ़ा दी जाए। टोनी अब क्या प्लान कर रहा है तू? हल्क के लिए कुछ मत करना, अभी बताता हूँ। सुपर सन एनर्जी अटैक, अभी मेरी एनर्जी मैंने इतनी ज्यादा बढ़ा दी है पानी के अंदर कि यहाँ पर आग और ज्यादा बड़ी हो गई है। ओ भैया ऐसा लगता है कोई न्यूक्लियर बॉम्ब मार दिया किसी ने, उसकी आग हो ये, अब ये हजारों साल तक जलती रहेगी और तुम्हारी बैंड बजाती रहेगी, यहाँ से तुम नहीं आ सकते। बहुत हो गया टोनी, तू अगर पानी के ऊपर आग लगा सकता है तो मैं पानी के नीचे से जा सकता हूँ। गाइस मेरा ब्रिलियंट आइडिया सही है ना, आप लोग इस बात पे जल्दी एटी गेमर ओपी लिख दीजिए। मछलियां मछलियां आ गई, क्या करूं, अरे मैं तो लाइटनिंग हल्क बस्टर हूं, मैं इनसे डर क्यों रहा हूं। आइडिया गाइस, पानी में आप सभी जानते हैं क्या खतरनाक बिजली का शॉक लगता है, तो मैं मछलियों को थोड़ा थोड़ा 100 वोल्टेज वाला करंट तो दे ही सकता हूं। अबे फ्रैंकलिन मासूम जानवरों को यहां पर इतनी बुरी तरह से करंट लगा रहा, शर्म नहीं आती? अरे ये मासूम जानवर जब मुझे खा रहे हैं अपना डिनर समझ के तो इनको शर्म नहीं आती? चलिए गाइस फाइनली इनकी तो मैंने बैंड बजा दी, जल्दी चलता हूं। ओके टोनी के बच्चे मैं आ रहा हूं। फ्रैंकलिन रुक, मैं यहीं खड़ा हूं तेरी बैंड बजाने के लिए। गाइस इस बार मैं टोनी को लिटरली मैं बिल्कुल भी नहीं बख्शूंगा। ले ले और बख्श मुझे। अरे बाप रे यार, बात भी पूरी नहीं करने दी, अच्छी बात है यहाँ पर पानी है। हल्क फोड़ेगा, हल्क किसी को नहीं छोड़ेगा, पहले टोनी के बच्चे को फोड़ेगा, हल्क को मोटा बर्गर, उसी ने बोला, बिल्कुल सही कहा, जा पीट उसको, बैंड बजा उसकी। अबे अबे सुन तो हल्क, अबे सुन तो हल्क तुम दोनों को फोड़ेगा। ओ भाई साहब ये हल्क तो तुम दोनों को एक ही बार में पीट रहा है। फ्रैंकलिन मेरी बात मान, तू पहले हल्क को पीट, मैं जाके सूट लेता हूं। बिल्कुल भी नहीं, हर किसी नहीं, हल्क अब किसी को सूट नहीं लेने देगा। भाई साहब अबे कमर तोड़ दी इस हल्क के बच्चे ने, हल्क को चाहिए लावा हल्क बस्टर का सूट। पहले मेरी बिजली से यहां पर मुलाकात कर भाई। हाँ हल्क को करंट लग रहा है, बहुत बढ़िया फ्रैंकलिन बहुत बढ़िया, अब मैं सूट ले लेता हूँ। चुप कर टोनी वरना तेरी बैंड में जाऊंगा। गाइस मैंने अपनी बॉडी का जो लिटरली में स्ट्रक्चर है इस तरह से खुद को ट्रांसफॉर्म कर लिया कि मैं हवा में उड़ सकता हूँ अपने लाइटनिंग के चक्कर में। और ये ले फाइनली गाइस, मैंने हल्क को बिजली के झटके देके पानी में कुछ टाइम के लिए सुला दिया है। वैसे हल्क सेफ है पानी में, डोंट वरी, क्योंकि बिजली तो लिटरली में यहाँ पर मछलियों को भी लग रही होगी तो हल्क को कोई हार्म नहीं करेगा। तब तक गाइस ये सूट पहनते हैं। बॉय सब 3 करोड़ साल की एज। अब गाइस चलो उस ब्लैक फ्रैंकलिन के बच्चे पास चलते हैं, उसके पास जो 50 लाख साल का जायंट हल्क बस्टर है ना, मेरे पास है वेरी जायंट लावा हल्क बस्टर का सूट। अगर आपको इस तरह की वीडियो और देखना है तो कमेंट में पार्ट 2 लिखिए, और स्क्रीन पर जो वीडियो देख रहे हैं वो भी देख लीजिए। थैंक यू सो मच। हे